काशीपुर में आज स्थानीय विधायक ने नगर निगम में मेयर उषा चौधरी की अध्यक्षता में पार्षदों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान पार्षदों ने आपके मानदेय की मांग भी विधायक के सामने रखी। बीते 6 जुलाई को नगर निगम की मीटिंग हॉल में काशीपुर में कोरोना संक्रमण की तेजी से फैलते मामलों को लेकर बुलाई गई आपात बैठक के दौरान पार्षदों ने स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा से अपनी समस्याओं को लेकर 1 घंटे के लिए बैठक का वक्त मांगा था, जिसके तहत आज नगर निगम के मीटिंग हॉल में स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा ने नगर निगम सभी 40 वार्डों के पार्षदों की समस्याओं को लेकर उनके साथ नगर निगम मेयर उषा चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई। बैठक में पार्षदों ने मुख्य रूप से नगर निगम के एनएम प्रकाश चंद के स्थानांतरण की मांग विधायक के समक्ष रखी, तो वही बैठक के जरिए पार्षदों ने अपने मानदेय की पुरानी मांग विधायक चीमा के सामने रख दी। बैठक के बाद स्थानीय विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, एनएम के स्थानांतरण का मुद्दा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मुद्दा है। इस बीच मीडिया से बात करते हुए विधायक पार्षदों को रुद्रपुर का हवाला देते हुए धरना और प्रदर्शन का रास्ता दिखाया। MNA को हटाए जाने का मुद्दा है, वो मेरी पावर से बाहर का मुद्दा है, मेरी अपने पावर में मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि मैं MNA को अपने लेवल से हटा दूँ। लेकिन कुछ आसपास भी देखना चाहिए, हमें रुद्रपुर में ये देखने को मिल रहा है कि तमाम जितने हमारे पार्षद हैं सब मिल करके MNA के लिए खिलाफ कार्रवाई के निकालो हटाओ धरना प्रदर्शन सब कर रहे हैं। लेकिन इस समय कोरोना का समय है, कोरोना के कारण आज सरकार कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहती जिससे हलचल पैदा हो। इसलिए हमें भी इस बात को सोचना है कि अगर कोई अधिकारी काम कर रहा है लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उसको उसकी त्रुटि के बारे में हम समझा दें बता दें ताकि वो त्रुटि जो है वो निकल जाए, ना कि छोटी मोटी बातों के ऊपर हम वरिष्ठ बड़े अधिकारी को हम कहें कि साहब इसे हटाओ कहाँ फेंको। ऐसा होना आज के समय में ज़रा थोड़ा सा मुझे असंभव दिखाई दे रहा है। जहाँ तक मानदेय की बात है, मानदेय की बात मैं पहले भी विधानसभा में रख चुका हूँ और इसको मैं अब उन्हें दोबारा, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं, और यह मानदेय का विषय जो है यह काशीपुर का ही नहीं, ये पूरे प्रदेश का विषय है। पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं, उनके प्रमुख जो हैं वो सारे के सारे ये मानदेय मांग रहे हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट विचार कर रही है, जैसे ही कुछ ना कुछ विचार होगा, लेकिन अभी इस समय जो देरी है उसका कारण कोरोना है।